आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि आज इंग्लिश की अहमियत कितनी ज़्यादा हो गई है और मैं ये बताने वाला हूँ व्हेन यू कांट स्पीक इन इंग्लिश देन व्हाट हैपेंस। आज वैश्वीकरण के युग में अंग्रेजी भाषा का जो अध्ययन है वो आवश्यक है। अंग्रेजी भाषा विभिन्न देशों के बीच संचार की सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। इवन आप इंडिया की बात करें तो विभिन्न राज्यों के लोगों की अपनी अपनी भाषा है। अंग्रेजी भाषा हमें भारत के विभिन्न राज्यों के बीच एक जोड़ने वाली कड़ी के रूप में है। तो आप सोचिए अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो कितनी ऑकवर्ड पोजीशन हो जाएगी आज आपके लिए। यूएन ने 5 भाषाओं की इसकी आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है और में सबसे पहला स्थान अंग्रेजी का है। फ्रेंच, जर्मन, यूनानी और संस्कृत निश्चित रूप से अंग्रेजी से नीचे नहीं है। फिर भी सच्चाई ये है कि अंग्रेजी समय की परीक्षा में खड़ी उतरी है, पूरी खड़ी। आज के इस तकनीकी युग में तकनीकी ज्ञान के साथ साथ आपका अपने विचारों को प्रकट करने का तरीका भी बहुत प्रभावशाली होना चाहिए, अर्थात आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। विशेषकर अंग्रेजी भाषा पर आपकी जो पकड़ है वो मजबूत होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है, चाहे वो संयुक्त राज्य संघ हो या फिर भारत हो। आज जब हम बड़े बड़े पार्टी में जाते हैं तो होता क्या है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो अपने आप में आपको एक हीन भावना अपने आप में महसूस होता है। सबको होता है, साइकोलॉजिकल है। एक दूसरे को हाय मैन, तो आपको लगता है यार काश मैं भी इतनी अच्छी इंग्लिश बोल पाता। फिर हम लॉजिक देते हैं कि यार अंग्रेजी भी तो एक भाषा है, हिंदी भी तो एक भाषा है, पर अंग्रेजी ने अपना महत्व बना लिया है। नो डाउट आज जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो हिंदी की तरफ, संस्कृत की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, पर इंग्लिश आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बनता जा रहा है। आपके पास बेशक असाधारण विचार होंगे परंतु अंग्रेजी पर आपकी पकड़ नहीं है तो आपको अपनी मैनेजमेंट भी दरकिनार कर सकती है। वहीं अंग्रेजी में पकड़ कमजोर होने के कारण आपकी कार्य क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। सबसे बुरा तो तब होता है जब एक अंग्रेजी बोलने वाले साधारण सा कर्मचारी आपके विचारों को अपने नाम से ले उड़ते हैं। तो अंग्रेजी का महत्व आप समझ ही गए होंगे। आप नो डाउट आप 10वीं पास हो पर आपकी इंग्लिश, आपने कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ है, आपकी इंग्लिश कमाल की है। अगर आपने हिंदी मीडियम से ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, एमए भी किया हुआ है और आप लोग कहीं बैठ जाओ जाके किसी पढ़े लिखे आदमी के पास और वो फराटेदार इंग्लिश बोल रहा हो तो सामने वाला समझेगा उस 10th वाले को कि ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो एक हवा बन गया है इंग्लिश, अंग्रेजी। देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स हर जगह जरूरी होती है, चाहे आप सहकर्मियों से बात करें, ग्राहकों से या अपने बॉस के साथ। आपको अपने विचारों, लक्ष्यों आदि को ठीक से व्यक्त करना आना चाहिए। इसलिए भी आप अंग्रेजी पर पकड़ मजबूत करते हैं और विश्वास के साथ अंग्रेजी में बात करते हैं तो आपकी छवि एक लीडर की बनेगी, न कि अनुयायी की। ये फैक्ट है। हिंदी हमारी मातृभाषा है लेकिन अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको उससे जुड़े एंट्रेंस एग्जाम को पास करना होता है जिसमें अंग्रेजी का मुख्य भाग होता है। यदि आपको बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करनी है तो भी अंग्रेजी जरूरी है। आजकल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और याहू जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भारतीय छात्रों को नौकरी के अवसर प्रदान करती है और भारत में मिलने वाली मासिक आय से कई गुना अधिक आय देती है। लेकिन यह तभी संभव है जब तकनीकी ज्ञान के साथ साथ छात्रों का अंग्रेजी भाषा पर पकड़ बहुत मजबूत हो, क्योंकि सारी कंपनियां वैश्विक स्तर पर काम करती है तो इनके साथ काम करने के लिए वैश्विक भाषा का आना बहुत ही जरूरी है, जो कि अंग्रेजी। इतना ही नहीं, यदि आप भारत में भी आईएएस या आईपीएस बनने का सपना देख रहे हैं तो उसके लिए भी आपकी अंग्रेजी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो व्हाट हैपेंस व्हेन यू कांट स्पीक इन इंग्लिश? द फर्स्ट थिंग
जितनी चीजें मैंने आपको बताई वो आप नहीं कर पाओगे, ऑटोमेटिक यू गेट अवॉइडेड। निजी कंपनियों में भी नौकरी हेतु अंग्रेजी भाषा पर पकड़ का होना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा आपके पास कितनी भी बड़ी कोई भी डिग्री क्यों नहीं हो पर आपको एक अच्छी बड़ी कंपनी में नौकरी आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि आजकल सभी कंपनियां वैश्विक स्तर पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है या अपना सामान बेच रही है। वर्तमान में अंग्रेजी एक ऐसी भाषा बनकर उभरी है जिससे हम पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं, चाहे आप किसी भी देश में क्यों नहीं चले जाए, आपको कोई ना कोई तो अंग्रेजी बोलने वाला मिल ही जाएगा। अंग्रेजी ने भारतीय जनमानस पर एक अमिट छाप छोड़ी है, इसलिए हम विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी के साथ व्यवहार नहीं कर सकते। दूसरे शिक्षा और दर्शन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि विषयों पर इस भाषा के माध्यम से बेहतर समझा जा सकता है। अब तो आपकी समझ में आ गया होगा कि आज के समय में अंग्रेजी का महत्व है, बिन अंग्रेजी सब सूना। इसलिए जरूरी है कि पढ़ते समय से ही हम अंग्रेजी बोलने और सीखने का प्रयास करें और जीवन में सफलता प्रदान करें, नहीं तो आपको इस बात का अफसोस रहेगा कि वाई आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, वाई डिडंट आई लर्न इंग्लिश। आधुनिक युग में दुनिया भर में ये आम बात है कि विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मुद्दों को आसानी बनाने के लिए अंग्रेजी भाषा सीखी जाती है। अंग्रेजी आज सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक भाषा के रूप में उभरी है। यह धारण करना गलत है कि अकेले ब्रिटिश की भाषा है, अंग्रेजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भाषा है। उच्चतर पढ़ाई के लिए अधिकांश महत्वपूर्ण पुस्तकों को अंग्रेजी में ही लिखा गया है, तो इसमें यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो उसमें हीन भावना आने की जरूरत नहीं है। डोंट बी टू अशेम्ड टू स्पीक इंग्लिश, आप ओपन योर माउथ एंड स्पीक इंग्लिश। होगी गलती, होगी कोई बात नहीं, तो ओनली वे यू विल एवर गेट बेटर स्पीकिंग इज बाई स्पीकिंग एंड स्पीकिंग अलॉट। मार्क ट्वेन ने कहा है, करेज इज रेजिस्टेंस टू फियर, मास्टरी ऑफ फियर, नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। यू कैन मेक एक्सक्यूजेस फॉर व्हाई यू डोंट वांट टू स्पीक, लाइक सेइंग दैट यू आर टू एम्बैरस्ड टू स्पीक, बट दिस वोंट गेट यू एनी क्लोजर टू योर गोल ऑफ अचीविंग इंग्लिश फ्लुएंसी। दूसरी चीज, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग इंग्लिश, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। आप बोलोगे गलती करोगे, गलती करते 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 आप सीखोगे, तो इसमें शर्माने की बात नहीं है कि आपने अंग्रेजी बोली और वो गलत हो गया। आपको पता है माइकल जॉर्डन ने क्या कहा था? माइकल जॉर्डन का कहना था, आई हैव मिस्ड मोर देन 900 शॉट्स इन माय करियर, आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 300 गेम्स, 26 टाइम्स आई हैव बीन ट्रस्टेड टू टेक द गेम विनिंग शॉट एंड मिस्ड, आई फेल्ड ओवर एंड ओवर अगेन इन माई लाइफ and that is why I succeeded। तो गलती होती है, होने दो, बोलते तो जाओ, सुधरेगा, जरूर सुधरेगा। प्लस डोंट apologize फॉर लेवल, समथिंग that really annoys me especially when I'm talking to someone in English is when they apologize for how much English they speak। I have never been offended by someone's level of English and I don't get upset when someone makes mistakes। Okay यार, होता है, हम कौन से ऊपर से सीख के आए, हमारी मदर टंग थोड़ी है, we can make a mistake। और अगर आपको गलती हो भी गई है तो don't get frustrated with yourself, learning English will come with a certain amount of frustration, at some point you will come to a stage where you won't be able to fully express yourself like you would be able to in your native language, and there will be times when you won't be able to find the right word to say। तो आएगा, धीरे धीरे सब आएगा। Don't make it personally when people don't understand you। कभी कभी क्या होता है, एक्सेंट का प्रॉब्लम होता है, लोगों को अपने टंग ट्विस्ट करने की बोलने की आदत पड़ जाती है, आप भी बोल सकते हो, तो फिर एक सामने वाला कहता है what did you say, तो don't get offended, डोंट टेक इट पर्सनली अगर सामने वाले ने समझा नहीं है तो। एंड डोंट कंपेयर सेल्फ टू अदर इंग्लिश स्पीकर्स, भाई उसको बहुत आता है, आने दो, आपको जितनी आती है आप बात करो ना, आप सीखोगे।
जरूरत है, आपकी जरूरत है, कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मदर टंग होगा, आपके लिए मदर टंग नहीं है। आजकल बचपन से लोग इंग्लिश में बात करते हैं, बच्चे इंग्लिश बड़े होते हैं और फिर इंग्लिश में बात करना शुरू करते हैं। आप हो सकता नहीं बात करते होंगे बचपन से, आपके लिए मदर टंग नहीं होगा। आपकी जो फैमिली है, फैमिली इन्वायरमेंट है, वो हिंदी की होगी, भोजपुरी की हो सकती है, मराठी की हो सकती है, तो आपके लिए मदर टंग हरगिज़ नहीं है। सो डोंट गेट ऑफेंडेड, एंड इफ यू आर फ्लुएंट और जस्ट थिंक यू आर, डोंट गेट कॉकी, एरोगेंट होने की भी जरूरत नहीं है। ये कोई ऐसा आपने तीर नहीं मार लिया एक भाषा सीख के कि आपको एरोगेंट होने की जरूरत है। यू आर लिविंग अ लाइफ बिकॉज यू नेवर स्टॉप लर्निंग अ लैंग्वेज। इट्स लाइक कॉलिंग योर सेल्फ अ फुली रियलाइज्ड ह्यूमन बीइंग। देयर इज ऑलवेज द नेक्स्ट लेवल अप एंड द करंट लेवल ऑलवेज नीड्स प्रैक्टिस। हो सकता है आप प्रैक्टिस ज्यादा करते हो और सामने प्रैक्टिस कम करता हो। सो डोंट थिंक दैट टॉकिंग इन फ्लुएंट इंग्लिश मेक्स यू बिग, और जिसको इंग्लिश नहीं आती है इज अ स्मॉल पर्सन और अनएजुकेटेड पर्सन, ऐसा नहीं है। एनीवेज, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू कांट स्पीक इन इंग्लिश। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।